हेलो दोस्तों, ये जे इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड मोटर में लिमिट स्विच का इंटरलॉक कैसे करते हैं यह सीखेंगे। जैसे हम मोटर का फॉरवर्ड बटन प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। जैसे हमारा फॉरवर्ड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर उसी जगह पर स्टॉप होनी चाहिए। जैसे हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। जब रिवर्स का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारे मोटर उसी जगह पर स्टॉप होनी चाहिए। मतलब लिमिट स्विच का उपयोग हम ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर हमारा लिमिट खत्म होगा। तो दोस्तों, ऐसे सर्किट का यूज ज्यादा करके इंडस्ट्री में प्रेस मशीन में स्लाइड एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है। जैसे हमारा टॉप मैक्स का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर स्टॉप होगी। जैसे हमारा बॉटम मैक्स का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर ऑफ होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि क्रेन, लिफ्ट, ऑटोमेशन। तो दोस्तों, यह सर्किट बनाने में हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी यह भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक टू पोल का एमसीबी चाहिए। दो कॉन्टेक्टर लेते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए यूज करते हैं और दूसरा रिवर्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले लेते हैं, दो लिमिट स्विच लेते हैं। एक लिमिट स्विच फॉरवर्ड एंड के लिए यूज करेंगे और दूसरा लिमिट स्विच रिवर्स एंड के लिए यूज करेंगे। एक इमरजेंसी यूज करेंगे, ग्रीन पुश बटन विथ येलो कॉन्टैक्ट हम फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे, ब्लू पुश बटन विथ येलो कॉन्टैक्ट हम रिवर्स के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड मोटर पावर वायरिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम एमसीबी के इनपुट में फेज और न्यूट्रल दे देते हैं। एमसीबी के आउटपुट से एक फेज लेते हैं और ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल 96 को कनेक्ट कर देते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और रेड पुश बटन विद एनसी एलिमेंट को दूसरे साइड से कनेक्ट करते हैं। स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड से हम फॉरवर्ड और रिवर्स पुश बटन के येनो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। अब हम रिवर्स पुश बटन के येनो टर्मिनल के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड हम रिवर्स लिमिट स्विच के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। रिवर्स लिमिट स्विच के दूसरे एनसी एलिमेंट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 को दूसरी साइड वायर को कनेक्ट करते हैं। सेम अब हम फॉरवर्ड पुश बटन के येनो टर्मिनल के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड हम फॉरवर्ड लिमिट स्विच के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड लिमिट स्विच के दूसरे एनसी एलिमेंट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। रिवर्स कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 को दूसरी साइड वायर को कनेक्ट करते हैं। अब हमारे दोनों कॉन्टैक्टर फेज तो मिल जाएगी, लेकिन हमें कॉन्टैक्टर चालू होने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमें एमसीबी के आउटपुट से डायरेक्टली दोनों कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को देते हैं। तो दोस्तों, आपको और ज़्यादा समझ में आने के लिए मैं दो लैंप का यूज करता हूँ। जब मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी तो हमारा ग्रीन लैंप ऑन होगा, जब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी तो हमारा रेड लैंप ऑन होगा। तो दोस्तों, हम ग्रीन लैंप की एक वायर को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और ग्रीन लैंप की दूसरे वायर को हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्टली न्यूट्रल दे देते हैं। मतलब दोस्तों, क्या होगा, जैसे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चालू होगा तो हमारा ग्रीन लैंप चालू होगा। सेम वायरिंग हम रेड लैंप के लिए करेंगे। तो दोस्तों, रेड लैंप की एक वायर को हम डायरेक्टली रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी वायर को हम डायरेक्टली एमसीबी के आउटपुट में जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम एमसीबी को चालू करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर और ग्रीन लैंप दोनों चालू होते हैं। जब मोटर फॉरवर्ड घूमेगी और एंड तक जाएगी तो हमारा फॉरवर्ड एंड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। जैसे हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगी। बाद में हमने मैन्युअली उसको प्रेस भी किया तो भी हमारी मोटर चालू नहीं होगी। लेकिन जैसे हम ब्लू पुश बटन को प्रेस करते हैं, यानी रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर और रेड लैंप चालू होगा। जैसे हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर चालू होगा तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। जैसे हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी और रिवर्स का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर उसी जगह पे स्टॉप होगी। बाद में हमने मैन्युअली उसको प्रेस भी किया तो भी हमारी मोटर चालू नहीं होगी। जब हम फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी। जब हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। मतलब दोस्तों, फॉरवर्ड एंड और रिवर्स एंड, इन दोनों के बीच में हम किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ हमारी मोटर स्टॉप होगी।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबाकर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।